For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I am Dr. Nausheen. I am working as Head of Department Nutrition, Pakistan Air Force Hospital Unit 2 and Nutride Wise, Islamabad Diagnostic Center. आज की वीडियो जो है इट्स अबाउट सना मक्की. जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पीपल ऑफकोर्स हम लोग कंसर्न हैं और सारा कुछ है. इसमें देखने को आ रहा था कि सना मक्की यानी कि जिनको सना लीव्स बोलते हैं, इनका इस्तेमाल जो है लोगों ने करना शुरू किया. एंड दे स्टार्ट सेइंग कि सना मक्की जो है वो बहुत हेल्पफुल है. पहले मैं बता दूं कि सना मक्की है क्या, इसको सना लीव्स बोलते हैं. सना मक्की बेसिकली इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए. अदर देन उसकी कॉन्स्टिपेशन जो एंटायर उसकी वो है लेग्जेटिव एक्टिविटी, आप उसको हम देखते हैं कि और क्या क्या कर सकता है वो. आपकी बेसिकली उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि बॉडी में अगर कहीं सोजिश वगैरह है तो उसको हेल्प आउट करता है. इसी तरह हमारे पास अब देखिए कोई भी आप कावा पीते हैं तो उसका इफेक्ट तो आपकी बॉडी पे होता है. डायूरेटिक है यानी कि यूरिनेशन ज्यादा होना, छोटा पेशाब का बार बार आना, तो उससे टॉक्सिन्स बॉडी में वॉश आउट हो जाते हैं. जब टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो स्किन है उस पर बेहतर इफेक्ट आता है. तो आपकी स्किन बेहतर होना शुरू होती है. आपका बड़ा आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन जो है उसमें जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उससे सारे टॉक्सिन्स वॉश आउट करता है, तो उसकी क्लेंजिंग होती है. अब बार बार ये देखने में आया कि जी सना मक्की मिल नहीं रही या सना मक्की जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट में नहीं है. सबसे पहले तो आप ये देखें कि सना मक्की करता क्या है. इस सना मक्की का कोरोना में कोई डॉक्यूमेंटेड इफेक्ट नहीं है. इसमें यह है कि आपने ये देखना है कि उसकी असल में फंक्शन क्या है, तो वो लेग्जेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. ठीक है, सना मक्की के अंदर होते हैं एंथ्रेसेंस. एंथ्रेसेंस जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में से आपकी रीअब्सॉर्प्शन रोकते हैं पानी की और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की. तो उससे क्या होता है कि लूज स्टूल पास होते हैं. जब लूज स्टूल पास होते हैं तो डेफिनेटली डेफिकेशन आपकी ईजी हो जाती है और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है. लेकिन ये चीज़ छः सात दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी. ये आपकी बॉडी पे, आपके इंटेस्टाइंस पे, आपकी किडनीज पे इफेक्ट करती है. इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस करता है, पोटेशियम बॉडी से वॉश आउट करता है. हाइपोकलीमिया एक सिचुएशन है उसमें आपको लेके जा सकता है. उसके अलावा एक और चीज़ है कि इसमें प्रेग्नेंट औरतें, लैक्टेटिंग यानी कि दूध पिलाने वाली माएँ और 12 साल से कम उम्र बच्चों, इनको सना मक्की नहीं देना. सना मक्की कोरोना का कोई डॉक्यूमेंटेड इलाज नहीं है. ये एक कावा है जो कि आपके लिए कब्ज की सूरत हाल को सही करने के लिए इस्तेमाल होता है. आई होप आप इस मैसेज को समझें और उसको उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखें. फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें.